नमस्कार दोस्तों, फिर से एक न्यू वीडियो के साथ में मेरा नाम अरविंद कुमार है और आप देख रहे हैं अरविंद यूट्यूबर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज आपको लेकर चल रहे हैं मेंथा प्लांट के यहाँ। जी हाँ दोस्तों, मेंथा प्लांट के यहाँ लेकर चल रहे हैं और जहाँ पर जो है तो मेंथा की पराई कैसे की जाती है, किस तरह से की जाती है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। कैसे जो है तो मेंथा से आयल निकलता है, किस तरह से निकलता है, कैसे खरवा झोंका जाता है और पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे हम। तो बने रहेगा वीडियो के साथ में और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर दो प्लांट लगे हुए हैं। एक प्लांट जो है तो भाई एक जगह पे दो प्लांट लगे हुए हैं और एक छोटी टंकी है और एक बड़ी टंकी है। तो बड़ी टंकी में काम चल रहा है और ये जो सामने आप देख रहे हैं तो ये छोटी टंकी है, ये अभी बंद पड़ी हुई है। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को देते हैं। और ये देख सकते हैं नीचे का नज़ारा दिखा रहे हैं जिसको गोल बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, दो होल हैं छोटे छोटे और यहाँ से क्या होता है जो आगे को जलाया जाता है, इससे हवा भी निकलती है, हवा अंदर को क्रॉस करती है, उससे क्या होता है आगे जलती रहे और यहाँ से राख भी निकाली जाती है दोस्तों। और ऊपर क्या है दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, खरवा की झोंकाई की जाती है, जो टंकी गर्म होती है। ये टंकी के अंदर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं जो कि इसको खाँच बोलते हैं, जाल बोलते हैं हमारे यहाँ, और इसके नीचे पानी भरा होता है। और ये देख सकते हैं इसी के अंदर से क्या है, होल जो बने हैं छोटे छोटे देख सकते हैं आप सामने इधर, तो इससे क्या होता है आयल प्रवेश करता है, दोनों होलों से आयल प्रवेश करता है। और चलिए आपको दिखाते जिसमें काम चल रहा है टंकी में, चलिए पास से दिखाते हैं। सो गाइस इधर सामने देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, पेपरमिंट जो है तो भाई टंकी में जो है तो भरी जा रही है और इधर टाली खड़ी हुई है और पेपरमिंट को भरा जा रहा है टंकी में दोस्तों। और क्या है, बारिश के दिनों में काफ़ी ज़्यादा किसान जो है तो बेहाल हो गए थे, अब क्या है दो दिन से काफ़ी अच्छा मौसम है तो पिपरमिंट की किराई जो है तो अभी शुरू हो गई है हमारे यहाँ बाराबंकी ज़िले में दोस्तों। और आपको बताते चले कि कभी भी पिपरमिंट अगर पेरते हैं तो ज़्यादा उसकी रौंदाई ना करें, नहीं तो तेल में इफेक्ट पड़ जाता है, तेल कम निकलता है और इधर धुआँ निकल रहा है, चिमनी इसको बोलते हैं हमारे यहाँ। और गाइस देख सकते हैं टंकी में पिपरमिंट भरी भी जा रही है, उसके साथ साथ क्या है झोंक भी जल रही है दोस्तों, जो कि आप लोग सामने देख सकते हैं। ये देख सकते हैं सामने आगे भी कितनी तेज तेज जल रही है और ये सूखा खरवा है जो झोंका जाता है भाई, और पिपरमिंट भी इसमें भरी जा रही है भाई। और इसी तरह से हमारे यहाँ पिपरमिंट में काफ़ी ज़्यादा भाई मेहनत लगती है तब जाके आयल निकलता है दोस्तों। और इधर ये देख सकते हैं सूखा खरवा जो है तो रखा हुआ है भाई, भाई बड़ी मेहनत से जो है किसान भाई इस समय मेहनत कर रहे हैं और ये देख सकते हैं सूखा खरवा भाई लाया जा रहा है। चलिए बताते हैं आयल कैसे निकलता है दोस्तों। तो आपको बता दें कि ये जो आप देख सकते हैं सामने, तो ये ड्रम रखा हुआ है और दोस्तों ऊपर देख सकते हैं, ये सामने देख सकते हैं दो पाइप हैं टंकी से जो कि लगे हुए हैं, ये दोनों पाइप देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए हैं ड्रम में। और ये जो ड्रम रखा हुआ है जो कि आप सामने देख सकते हैं, ये ड्रम है और ये ड्रम के अंदर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। सो गाइस इधर देख सकते हैं सामने यहाँ पर अंदर जो है तो पानी भरा हुआ है और ये जो गोल गोल पाइप इसी में घूम करके गए हैं पानी के अंदर से। तो आपको बताते चलते हैं कि टंकी के अंदर से जब आयल डायरेक्ट नहीं निकलता है, उसमें उसके साथ साथ पानी भी निकलता है और भाप के रूप में भाई जो आती है तो भाप आती है। और इस ड्रम में जो गोल गोल आप देख रहे हैं तो पानी के अंदर घूम घूम करके बना हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि वहाँ से भाप के रूप में आयल आता है और यहाँ पर ड्रम में पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कि दोस्तों ये दोनों पाइपों से भाप निकलती है वहाँ पर जब आगे जलाई जाती है तो भाप निकलती है। और जा करके ये जो साफ साफ लेटर सामने देख रहे हैं तो यहाँ पर ये टोंटी देख रहे हैं लगी हुई है, खुटी लगी हुई है, तो इसमें क्या है आयल यहाँ से निकलता है, भाप के रूप में परिवर्तित होकर उस पाइप में जा करके, दोनों पाइप में जा करके भाप निकलती है और यहाँ पर पानी के रूप में आयल निकलता है दोस्तों। और इधर जो सामने देख रहे हैं बाल्टी रखी हुई, तो यहाँ से पानी निकलता है, जितना पानी पानी निकल जाता है और आयल आयल इधर यहाँ सामने देख सकते हैं, ये इसमें ऊपर आयल दिखाई देता है। और पानी की मात्रा जो होती है तो वजन होती है, तो पानी नीचे होता है और आयल की मात्रा जो है तो हल्की होती है, तो आयल जो है मेंथा का भाई तो वो ऊपर होता है। और ये जो नलकी देख रहे हैं तो इससे आयल निकलता है, जब उसको पानी को हम कस देंगे, मूंद लेंगे अच्छी तरह से, तो उसमें क्या होगा आयल निकलेगा। और गाइस इधर देख सकते हैं, ये सामने आप देख रहे हैं तो ये पाइप है, इससे क्या होता है इसमें पानी भरा जाता है टंकी के अंदर, वही जो जाली पड़ती है उसके बराबर पानी भरा जाता है दोस्तों। और आपको बताते चलें कि इधर देख सकते हैं जब पानी गर्म हो जाता है, भाप निकलने लगती है, तो ये इंजन खड़ा हुआ है, इंजन से क्या होता है इस ड्रम में ये पाइप लगा हुआ है, लोहे का पाइप है जो कि इंजन को पानी होती है तो पानी देने में काम करता है इंजन। और ये ड्रम रखा हुआ है तो इसमें पानी भरा जाता है और यहाँ पर जब पानी गर्म हो जाता है तो इससे यहाँ पर खोल दिया जाता है और गर्म पानी सारा निकाल दिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों देख सकते हैं इधर जो क्या है मेंथा जो है तो टंकी में भरी जा रही है, अब थोड़ी रह गई है मेंथा और अभी पूरी तरह से टंकी में भर दी गई है। और इसमें क्या है, अगर तेल की अच्छी मात्रा आप लोग चाहते हैं तो इसमें रौंदाई कम ही करें, रौंदाई करें
किनारे किनारे भाई टंकी के साइड साइड में रौंदाई करें, और बीच में कभी एक गलती मत करना कि बीच में ज़्यादा रौंदाई कर दें, उससे क्या होगा तेल भी कम निकलने का चांस रहता है। इसलिए टंकी के साइड में हमेशा ज़्यादा रौंदें और बीच में कभी ज़्यादा ना रौंदें। और दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से कैसे भाई पूरी जो मेंथा है तो भाई पूरी टंकी में आ गई है। और इसके बाद में क्या है, ये जो इंजन चलने लगा है अभी दोस्तों, थोड़ा पानी कम था तो उस ड्रम में पानी भर दिया गया है। जो टंकी अच्छी तरह से पूरी मेंथा उसमें भर दी जाती है तो उसके बाद में पैरा रहता है तो भाप निकलती नहीं है और अच्छा आयल निकलता है दोस्तों। और इधर ये देख सकते हैं सामने पूरी अच्छी तरह से अब एक एक जो बौके हैं मेंथा के पौधे हैं तो उनको सही किया जाएगा ताकि कहीं से बोल्ट कसे जाएँ तो उससे क्या है भाप ना निकले। और दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हैं तो यहाँ से क्या है भाप निकलती है जो इस नीचे झोंका जाता है, तो दोनों ये देख सकते हैं होल हैं, छोटे छोटे होल हैं, तो इनसे क्या है भाप निकलती है और उसी से भाप के रूप में पानी में परिवर्तित हो जाती है उसमें जा कर के ड्रम में, और फिर वो आयल वहाँ पर निकलने लगता है, भाप के रूप में एक आयल बन जाता है और वहाँ पर निकलने लगता है दोस्तों। और ये साइड साइड अच्छी तरह से कस लें ताकि जो बीच में है तो गैस बने, उससे क्या हो भाप अच्छी तरह से क्रॉस कर जाए, दोनों होल जो हैं तो दोनों होलों में अच्छी तरह से क्रॉस कर जाए दोस्तों। और ये जो बोल्ट देख सकते हैं सामने लगे, ये दोस्तों बोल्ट देख रहे हैं तो ये कसने के काम आते हैं, टापा को कसा जाता है दोस्तों। और इधर सामने देख सकते हैं ये टापा जो है तो टंकी जो है तो पूरी अच्छी तरह से भर गई है, और ये टापा को इसके ऊपर रख दिया जाएगा और बोल्ट पूरे अच्छी तरह से टाइट कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद में झोंकाई की जाएगी धीरे धीरे से, ज़्यादा भी झोंका नहीं जाता है, हल्का हल्का झोंकाई की जाएगी, फिर आयल निकलता है। और गैस इधर देख सकते हैं सामने ये चिमनी हमको इसको बोलते हैं, जो कि इससे क्या होता है धुआं निकलता है, जब आगे जलाई जाती है तो इससे धुआं निकलता है दोस्तों। और आज अगर रेट की बात कर ले तेल की, तो आज का भाव है, तेल का भाव हमारे यहाँ है 989 रुपये आज का भाव है। जी हाँ दोस्तों, आज मेंथा का भाव है 989 रुपये। और दोस्तों देख सकते हैं आयल भाई निकलने लगा है, और इधर देख सकते हैं जो है तो पानी निकल रहा है, और देख सकते हैं सामने ये अंदर ऊपर भाई आयल है और नीचे क्या है पानी है। तो इसी तरह से मेंथा से आयल भाई निकाला जाता है, बहुत भाई मेहनत लगती है। और इधर देख सकते हैं पानी निकल रहा है, और ये देख सकते हैं भाई ये प्लांट बंद है, पड़ा हुआ है, और इधर देख सकते हैं ये वाला प्लांट जो है तो अभी चल रहा है दोस्तों। बताइए मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में, सो फ्रेंड्स बाय बाय।